एक्टिंग की दुनिया में वैसे तो एक्सपेरिमेंट करना एक अच्छी बात होती है, बट किसी किसी एक्टर के लिए एक्सपेरिमेंट बहुत ही भारी साबित होते हैं। जैसे कि बॉलीवुड के भाईजान सलमान खान, इन्होंने जब से एक्सपेरिमेंट करने स्टार्ट किए इनकी फिल्में फ्लॉप होने लग गई हैं। सोशल कॉज के साथ तो सलमान खान बिल्कुल जचते नहीं है। उनका वो जो एंट्री वाला स्वैग है, जो उनका अपना भाई वाला स्टाइल है, जो उनका राधे वाला टोन है, वो पब्लिक को बहुत पसंद आता है। बट जब वो जय हो करते हैं, ट्यूबलाइट करते हैं, थोड़ा इमोशनली प्ले करते हैं, वहाँ वो फ्लॉप हो जाते हैं। तो जब बहुत सारे एक्सपेरिमेंट कामयाब ना हो तो बैक टू द रूट पर जाना चाहिए। ये पहला कॉन्सेप्ट है कामयाबी का। ऐसे में सलमान खान के लिए जो कामयाबी का कॉन्सेप्ट है वो स्टार्ट होता है वांटेड से। बिकॉज सलमान खान अपने करियर के सबसे बुरे दौर में गुजर रहे थे वांटेड से पहले। उनकी सारी फिल्म फ्लॉप हो रही थी, चाहे मिस्टर मिसेस खन्ना हो या फिर उनकी जितनी भी अरबाज खान के साथ फिल्में हो, वो सब फ्लॉप हो रही थी। यहाँ पर वांटेड उनके करियर को रिवाइव करने के लिए आई थी, वो भी साउथ का एक रीमेक थी। यानी सलमान खान के करियर में साउथ का रोल तो वैसे भी रहा है, फिर चाहे वो वांटेड के बाद बॉडीगार्ड का हो या बजरंगी भाईजान का हो, बहुत सारी फिल्में हैं जो साउथ की रीमेक हैं। बट वांटेड ने उनके कैरियर को बिल्कुल रिवाइव किया था, बिकॉज प्रभु देवा ने उनको इस तरह से एंट्री वाइज स्वैग में लॉन्च किया, जो कि सलमान खान के फैंस के लिए वापस से कैरियर एस्टेब्लिशमेंट का एक रोल बन गया। सलमान खान का राधे वाला स्टाइल आज भी कॉपी किया जाता है, यहाँ तक कि वांटेड की वजह से सलमान खान आज जहाँ पर हैं वहाँ हैं। हालांकि इस मूवी के डायरेक्टर प्रभु देवा आज उस स्टेज पे नहीं है जहाँ पर वो वांटेड के टाइम में थे। यानी वांटेड के टाइम पे वो जो मूवी डायरेक्ट करते थे ब्लॉकबस्टर हो जाती थी, फिर चाहे वो वांटेड हो या राउडी राठौर हो। बट सलमान खान के साथ वांटेड फ्रेंचाइजी कुछ ज्यादा ही चिपक कर रह गई है। हालांकि उन्होंने एक कोरियन फिल्म द आउटलॉ का रीमेक करके वांटेड पार्ट 2 बनाया राधे के नाम से, बट वो चल नहीं पाया, प्रभु देवा वहां फेल हो गए। बट वांटेड 3 को लेकर अभी भी पब्लिक के बीच में एक्साइटमेंट का जो पारा है वो हाई है, बिकॉज बॉनी कपूर इसके प्रोड्यूसर थे और वही उस कहानी को चूज करके नॉर्थ इंडिया में लाए थे। और सलमान खान अपने आईफा में रोते रोते बता चुके हैं कि बॉनी कपूर ने किस तरह से वांटेड के जरिए उनके करियर को रिस्टेब्लिश किया। तो बोनी कपूर के पास आज भी साउथ की बहुत सारी फिल्मों के रीमेक राइट खरीदे हुए हैं, जो कि वांटेड कैटेगरी में सेट हो सकते हैं। अब सलमान खान को नो एंट्री के जरिए बोनी कपूर के साथ पैचअप करने का मौका मिल चुका है, तो इस मौके का चौका मारते हुए सलमान खान को कोशिश करनी चाहिए कि बोनी कपूर से रिक्वेस्ट करें कि वांटेड टाइप के एक और सीक्वल तलाशें और वांटेड 3 के तौर पर रिलीज करें। बिकॉज बोनी कपूर का साउथ इंडियन टेस्ट बहुत अच्छा है, उनकी पिंक हो या वैले मई हो या फिर हम 5 हो या वांटेड हो, जितनी भी फिल्में उनकी साउथ से आती हैं या फिर साउथ से नॉर्थ में जाती हैं या फिर नॉर्थ से साउथ में जाती हैं, सब ब्लॉकबस्टर होती हैं। तो उनके पास खजाना है साउथ की बड़ी फिल्मों का। ऐसे में सलमान खान को उस खजाने में से वांटेड 3 तलाशनी चाहिए, वरना जो उनका स्वैग, जो एंट्री, जो राधे भाई वाला स्टाइल है, उनके फैंस बहुत देर से मिस कर रहे हैं। और सलमान खान जो स्वैग राधे और अंतिम द फाइनल थ्रोट में नहीं दे पाए हैं, वो वांटेड 3 में दे सकते हैं। हालांकि पहले गॉसिप्स ये थे कि वाली माई, जो कि अजीत की मूवी थी, उसके रीमेक में वो वांटेड 3 बनाएंगे, बट वाली माई अपने एक्सपेक्टेशन के हिसाब से कामयाबी दर्ज नहीं कर पाई, तो वांटेड के लिए नई स्क्रिप्ट तलाशनी पड़ेगी। बट जो वांटेड की ब्रांडिंग है, फ्रेंचाइजी है, वो सलमान खान के लिए बहुत ज्यादा प्रॉफिटेबल हो सकती है, बशर्ते डायरेक्टर चेंज किया जाए। बिकॉज प्रभु देवा ने दबंग 3 में बहुत बुरा हाल किया सलमान खान का, तो डायरेक्टर नई अप्रोच के साथ आए, नई कहानी आए और वांटेड 3 के तौर पर पब्लिक को राधे का एक बार फिर से रिवाइव वर्जन देखने को मिले। क्योंकि सलमान खान भले ही अपने एक्सपेरिमेंटल मोड में फेल हो रहे हैं, बट पुराने स्वैग राधे और तेरे नाम वाले पब्लिक आज भी उनको लाइक करती है। तो वांटेड 3 का बेसब्री से इंतजार रहेगा और आपसे भी पूछते हैं कमेंट बॉक्स में, क्या वांटेड 3 बननी चाहिए या फिर वांटेड फ्रेंचाइजी को आप दी एंड कर देना चाहिए। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको हमारा प्रोग्राम अच्छा लगा होगा। अगर हमारे चैनल में पहली बार आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा, साथ ही वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा।